इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। हेयर फॉल, हेयर लॉस, डैंड्रफ, क्रीपी स्किन, अंडर आई डार्क सर्कल्स, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज्मा, ये जितनी भी समस्याएं हैं और इनके अलावा अन्य ऐसी ही समस्याएं, इतनी जटिल समस्याएं हैं कि इन्हें ठीक करने में बहुत समय लगता है, लेकिन ये ठीक हो जाती हैं। आपको जो सॉल्यूशंस हम बताते हैं वो इम्प्लीमेंट आपको कुछ इस प्रकार करने हैं, जैसे कि आप एक कल्प कर रहे हैं। कल्प क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, मात्र 10 साल की थी, और मुझे काली खांसी हो गई थी और कई इलाज हुए। 6 महीने तक इलाज चलते रहे, एलोपैथ, होम्योपैथ, सारे जितने भी होम्योपैथ्स थे सब ने हाथ खड़े कर दिए और मैं बहुत स्किन एंड बोन्स हो गई थी, मेरा हीमोग्लोबिन लो हो गया था, 2 कदम मैं चल नहीं पाती थी। मेरी मदर ने एक प्रण किया कि मुझे मेरी बेटी को ठीक ही करना है और मैं कल्प करूंगी, क्योंकि उन्हें विरासत में ये ज्ञान अपने फादर से मिला था और अपने ग्रैंडफादर से मिला था। उन्होंने संतरे का कल्प मेरे लिए डिसाइड किया और 13 दिन का ये कल्प था और हर दिन मुझे 13 संतरे खाने थे और दही जिसमें काली मिर्च डालकर लेना था। इसके अलावा जब मैं पानी उनसे मांगती तो वो मात्र 2 चम्मच पानी मुझे पिला देती, कहती इतने में ही तुम्हारी प्यास शांत हो जानी चाहिए। ना मुझे धूप देखना था, एक कमरे में बंद रहना था, और वो भी मेरे साथ निरंतर उस कमरे में बनी रही क्योंकि वो 1 मिनट मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहती थी। और उन्होंने छुट्टी ली थी इसी वजह से, और उनका खाना भी अंदर ही दे दिया जाता था। इस प्रकार से 7-8 दिन के बाद मेरी खांसी रुक गई। जो दिन भर मैं 10-10 उल्टियां कफ की करती थी, मुझे 1 बार खांसी नहीं आई 7वें-8वें दिन से। और 13 दिन के बाद जब मैं कमरे से बाहर निकल के आई तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई थी, मेरी खांसी खत्म हो गई थी। उसी के बाद मेरी मदर ने मेरे लिए कई प्रकार के उपटन बनाने शुरू किए और मेरी तेल मालिश शुरू करवाई और मेरे रंग में जो निखार आना शुरू हुआ, मैं जो एनर्जेटिक हो गई, मेरा हीमोग्लोबिन जो बढ़ ही नहीं रहा था वो इतने अच्छे से बढ़ गया, डाइट पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत सुंदर हो गई है। तो ये होता है कल्प। अगर हाइपर पिगमेंटेशन जैसी समस्या आपको ठीक करनी है, हेयर फॉल जैसी जटिल समस्या, चाहे उसका कारण टिलोजन एफ्लुवियम हो, हार्मोनल हेयर फॉल आपको हो रहा है, या न्यूट्रिशनल हेयर लॉस आपको हो रहा है, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस आपकी है, या किसी भी अन्य कारण से एलोपेसिया की वजह से आपको पैचेस हो रहे हैं, इसके अलावा मेलाज्मा आपको ऑलरेडी हो चुका है, हाइपर पिगमेंटेशन आपको है, PIH आपको है, क्रीपी स्किन आपको है, इसके सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करें तो एक कल्प की तरह करें, एक दृढ़ निश्चय के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कि हम रिवर्स करके ही रहेंगे। कड़ा होता है ये नियम, लेकिन कठिन नहीं होता है, टाइम बिल्कुल नहीं लगता। ये तो सिर्फ आप सोचते हैं कि इतने प्रोडक्ट्स से टाइम लगेगा, इतना आसान होता है। जो कर रहे हैं और जो रिजल्ट ले चुके हैं उनसे पूछिए आप, और आप भी उसी श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। तो ये जो कल्प है, आपको हाइपर पिगमेंटेशन करते समय को क्योर करते समय, मेलाज्मा को क्योर करते समय अपने आप में सोचना है कि मैं एक कल्प कर रही हूँ। इसी प्रकार से एक और स्टोरी है कि मेरी मौसी जिनको कब्ज की समस्या थी, ये जितनी भी बातें मैं कहती हूँ ये सारा ज्ञान मुझे मेरी माँ ने अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू दिया है। और मेरा जो सिडेस्को है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट सिडेस्को में हूँ जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी से लेकर हर एक चीज़ पढ़ाई जाती है जो स्किन एस्थेटिक्स में काम में आती है और ट्राइकोलॉजी के काम में आती है कि जितनी भी बालों से रिलेटेड समस्याएं हैं वो आप कैसे ठीक करें। तो ये क्लब होकर ये ज्ञान आपको मैं दे पा रही हूँ, ये गाइडेंस आपको दे पा रही हूँ। तो मेरी मौसी को जो कब्ज की समस्या थी वो ठीक ही नहीं हो रही थी, और मेरी नानी ने उनके लिए निर्णय लिया कि आम और दही का कल्प उन्हें कराएंगी। और वो कल्प ऐसा था कि चंद्र की बढ़ती कला के साथ साथ आम का नंबर ऑफ आम बढ़ते जा रहे थे और दही की मात्रा बढ़ती जा रही थी, और चंद्र कला जितनी घटती जा रही थी उसी महीने के बाद में, तो उसी के अनुसार आम के नंबर घटते जा रहे थे और दही की मात्रा घटती जा रही थी। और उनकी जो कब्जियत की जो शिकायत थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई और उन्हें आज दिन तक वो शिकायत नहीं है। तो ये होते हैं कल्प। अगर आप ठीक करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप जितने भी स्किन थिनिंग ऑइंटमेंट्स या जो भी आप लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ
डायरेक्टली वो चीज़ें लेकर लगा रहे हैं जिसके दुष्परिणाम हो रहे हैं, तो वो छोड़ दीजिए। AHAs, BHAs कैसे अप्लाई किए जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स में, किस प्रकार से वो हैं, ये वीडियोज़ भी मैंने बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप बहुत अच्छे से त्वचा को पोषण देते हुए, अनगिनत फ़ायदे लेते हुए अपने हाइपरपिगमेंटेशन को भी ठीक कर सकते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये जितनी भी जटिल समस्याएँ हैं, एक कल्प की तरह आपको रेजिमेंट फॉलो करनी है और रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने होगा।